वेल गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया पे मोस्टली ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो अपना मनी लूज़ करते हैं। अप्रॉक्स 90-95% ट्रेडर अपना मनी लूज़ करते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं? हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, उन लोग विथआउट नॉलेज स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं और फिर उनको बिगेस्ट लॉस होता है। ओके, तो आज मैं आप लोगों को 3 गोल्डन रूल देने वाला हूँ। ये रूल आप लोग अप्लाई करके, आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं, है ना? तो थोड़ा सा आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मोतीलाल ओसवाल ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वहाँ से एग्जिट कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि आप ओनली बाइंग करके दिखाते हो, उसको स्क्वायर अप करके नहीं दिखाते, वहाँ से एग्जिट होके नहीं दिखाते। तो इस वीडियो पे मैं वहाँ से एग्जिट होकर के भी दिखाऊंगा, ठीक है? और अभी तक आप अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल ऐप से नहीं ओपन कराएं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक ओपन करिए और मोतीलाल ओसवाल ऐप से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम मोतीलाल ओसवाल ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीखते हैं और ये 3 कौन से रूल है वो हम समझते हैं। ओके, तो देखिए बहुत सारे रूल हैं, उसमें से हमारा पहला जो रूल आता है वो रूल है हमारा कि आपको ऑलवेज ट्रेड करने हैं लिक्विडिटी स्टॉक्स पे। अब ये लिक्विडिटी स्टॉक्स किसको कहा जाता है, लिक्विडिटी किसको कहा जाता है? बेसिकली हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक को लिक्विडिटी स्टॉक कहा जाता है, बेसिकली निफ्टी 50 के स्टॉक्स को लिक्विडिटी स्टॉक कहा जाता है। ओके, इलिक्विडिटी स्टॉक उसको कहा जाता है जिसका प्राइस 25 रुपीज से कम होता है, 25 रुपए से कम होता है, इसको पैनी स्टॉक भी कहा जाता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट कि आपको ऑलवेज ट्रेड करने हैं लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स पे। ओके, आपको हमेशा बड़े प्राइस वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करने हैं जिस पे वॉल्यूम अच्छा होता है, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे वॉल्यूम अच्छा होता है। बेसिकली अगर आप पैनी स्टॉक पे काम करते हैं, जैसे कि 20 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले स्टॉक्स पे काम करते हैं, तो उस पर वॉल्यूम नहीं होता। आप अपना ऑर्डर लगा रहे हैं मार्केट पे 11 बजे, आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है मार्केट पे 1 बजे। क्यों 1 बजे प्लेस हो रहा है? 1 बजे कोई सेलर आ रहा है तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो रहा है ना? तो बेसिकली इलिक्विडिटी स्टॉक पे बेसिकली वॉल्यूम नहीं होता, जिसके कारण हमारा ऑर्डर जो है इमीडिएटली प्लेस नहीं होता। और लिक्विडिटी स्टॉक्स पे जैसे कि निफ्टी 50 स्टॉक्स पे वॉल्यूम अच्छा होता है, जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपका ऑर्डर जो है तुरंत मार्केट में प्लेस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज ट्रेड करने हैं लिक्विडिटी स्टॉक्स पे। ओके, अब दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करना ही है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस ऑर्डर के काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जुआ खेलना है स्टॉक मार्केट पे, तो आप बिना स्टॉप लॉस ऑर्डर के काम करिए। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से एज अ डिसिप्लिन के साथ आप स्टॉक मार्केट पे काम करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होगा। अब जो बिगिनर है, जो नए हैं, जो नहीं जानते स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो समझिए जो आपको आपके बड़े लॉस से बचाता है वो है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो आपके कैपिटल को सेफ करके रखता है वो है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा करके चलने हैं। ओके, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट समझते हैं, थर्ड पॉइंट आपका ये होता है कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करने। देखिए जो 95% ट्रेडर होते हैं जो अपना मनी लूज करते हैं वो सारे के सारे रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट के साथ फाइट करते हैं, अपने लॉस को मानने के लिए रेडी नहीं होते। ओके, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपना रिवेंज ट्रेडिंग क्लोज करना होगा। आपको एक दिन पे सिर्फ एक ट्रेड करना होगा, चाहे वो प्रॉफिट पे जाए चाहे वो लॉस पे जाए। ओके, आप अभी फिलहाल बिगिनर हैं तो एक ट्रेड करिए, ठीक है? तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट आपसे ज़्यादा ताकतवर है, और अगर आप मार्केट के साथ फाइट करेंगे तो कभी भी मार्केट के साथ जीतेंगे नहीं, हमेशा आपको लॉस होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना है, और ध्यान रखिएगा आपका पहला लॉस आपका सबसे छोटा लॉस होता है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, आपके लॉस को रिकवर करने जाएंगे, तो वो लॉस और बड़ा हो जाएगा और हो सकता है वो आपका लास्ट ट्रेड हो।
ओके तो थोड़ा सा केयरफुली आपको ट्रेड करना है, और ये तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम मोतीलाल ओसवाल ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड वहाँ से एग्जिट कैसे होते हैं वो हम समझते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मुझे पहली बार ट्रेडिंग करना है और मेरा स्टॉक है जोमैटो, तो आपको क्या करना है, सिंपली जोमैटो के यहाँ सर्च कर देना है। ओके, अब जो भी स्टॉक पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको आपको सिंपली यहाँ सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ एनएसई और बीएसई का ऑप्शंस दिखाई देगा, तो आपको हमेशा एनएसई के ऑप्शंस को क्लिक करना है क्योंकि एनएसई पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ओके, तो हम एनएसई के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आप सेल करेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो हम सिंपली बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। बाय के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद यह प्रोडक्ट टाइप पे आपको डिलीवरी, इंट्राडे और एमटी ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चूंकि अभी हम इस वीडियो पे इंट्राडे यानी कि पहली बार हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम सिंपली इंट्राडे के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप पे लिमिट, मार्केट और स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शंस दिखाई देगा, तो आपको सिंपली ऑर्डर टाइप पे मार्केट के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। मार्केट के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद ये क्वांटिटी पे आपको क्वांटिटी ऐड कर देना है कि कितना शेयर आप बाय सेल करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली एक शेयर यहाँ बाय सेल करना चाहता हूँ। ये डिपेंड करता है सर आपके ऊपर कि आप कितना क्वांटिटी बाय सेल करना चाहते हैं। अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो यहाँ आप 1000 ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल एक क्वांटिटी यहां बाय करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां एक ऐड कर दिया। ओके, अब इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। एक बार और बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। देखिए आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो गया। अब आपको क्या करना है, व्यू स्टेटस को क्लिक करना है। व्यू स्टेटस को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पोजीशंस के ऑप्शंस पे आ जाना है। तो देखिए यहां आपका प्रॉफिट नुकसान चलना शुरू हो गया, -0.05% का हमको लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से गाइस आप पहली बार मोतीलाल ओसवाल ऐप से ट्रेडिंग करेंगे, काफ़ी आसान है। आप एक दो बार ये वीडियो और देखेंगे, क्लियर आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए -0.10% का हमको लॉस दिख रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से एग्जिट होना है, मुझे सफिशिएंट लॉस हो गया या मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट नुकसान चलते रहेगा उसी को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्वायर अप के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का ऑप्शंस दिखाई देगा। देखिए प्रोडक्ट टाइप पर आपका इंट्राडे रहेगा, ऑर्डर टाइप पर आपको एक काम करना है, मार्केट को सेलेक्ट करना है, बस इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। अब आपको सिंपली सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। एक बार और सेल के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे आप बाहर, मार्केट से आप बाहर हो गए, ठीक है। चलिए जाकर के चेक करते हैं कि हम बाहर हुए कि नहीं हुए। आपको पोजीशन को क्लिक करना है। देखिए हमारा प्रॉफिट नुकसान बंद हो चुका है और अभी हमको -0.15% का लॉस भी हो चुका है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है गाइस मोतीलाल ओसवाल ऐप से पहली बार ट्रेडिंग करने का और यहाँ से एग्जिट होने का। आप एक दो बार ये वीडियो और देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, और कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ गाइस, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए बाय।